लड़के तो भाग्य से होते हैं लेकिन लड़कियां बेटियां सौभाग्य से होती हैं, और इसके लिए हमारा सौभाग्य है। बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है, छोटी सोच और पांव में मोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। जब तक हमारी मानसिकता सही नहीं होगी तब तक हम सोच ही नहीं सकते हैं कुछ भी। सबसे बड़ा खेल तो मानसिकता का है। अगर जब तक बच्चों में संस्कार, लड़कों में संस्कार नहीं डेवलप होंगे तो लड़की चाहे कितने भी कपड़े पहन के रहे तो भी सेफ नहीं है, और मानसिकता अगर सही है तो फिर कैसा भी कुछ। घर में कोई भी चीज खरीदे या बोले भाई तोता बंधाई और नीम रखवाणी कोई भी चीज हो चाहे, बेटी को ही चाहा जाता है। घर की लक्ष्मी होती है बेटी, बहुएं चाहते हैं, माँ चाहते, बेटी क्यों नहीं चाहते। धन्यवाद। पहली बात तो मैं सिटी बिग न्यूज को मैं बधाई देना चाहूंगा, जो भी अच्छे काम होते हैं वहाँ पे आप लोग हमेशा मुझे आगे मिलते हो, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई अगर हमारे घर पर कभी बच्चा होता है और हम हमारी रिश्तेदारी में फोन कर करके ये कहते हैं कि भाई साहब या बहन जी हमें लड़का हुआ है, तो सामने से बड़ी खुशी से जवाब आता है भाई बधाई हो, पार्टी कब देने वाले हो। और अगर यही बच्चा लड़के की जगह लड़की हो तो सामने के जवाब भी तुरंत बदल जाते हैं, जवाब आने लगते हैं कि भाई कोई बात नहीं, ये तो आपकी किस्मत ही थी। लेकिन ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि ये ऐसी वैसी किस्मत नहीं थी, ये बहुत अच्छी किस्मत थी कि उनके घर पर एक बेटी का जन्म हुआ है। और अब थोड़ा सा समाज ये बदलने लगा है, जिसे बदलने में हाथ है कपिल जैसे लोगों का, जो बेटे की जगह बेटी पैदा होने पर दुख नहीं मनाते बल्कि उतनी ही खुशी मनाते हैं जितने की शायद लड़का होने पर भी नहीं मना सकते थे। तो पहले तो आपको कपिल से मिलवा देती हूँ कि आखिरकार उनके मन में ये आइडिया किस तरीके से आया कि बेटी होने पर आप इतना सेलिब्रेट करेंगे। देखिए कहते हैं हमारे घर में हमेशा वही चीजें आती हैं जिनके हम काबिल होते हैं। आपने गाड़ी खरीदी होगी तो आप उसके काबिल होते हो। आप किसी के घर पे हेलीकॉप्टर नहीं है तो उसके घर पे क्यों नहीं है, क्योंकि कोई चलाने वाला भी नहीं है, काबिलियत भी नहीं है। परमात्मा एक आदमी को हमेशा उतनी चीज देता है जिसके वो काबिल है, और इसके लिए मैं सौभाग्य मानता हूँ अपने आप का कि परमात्मा ने मुझे एक बेटी से, लक्ष्मी से नवाजा है। ये तो लोगों की संकीर्ण मानसिकता है कि वो ये सोचते हैं कि बेटी बोझ है, जबकि वो तो दो परिवारों का आगे जाकर के नाम रोशन करती है। बाकी दूसरी बात यह है कि हर आदमी यही चाहता है हमारे देश में कि भगत सिंह तो हो लेकिन दूसरों के घर पे हो, बेटियां तो हो लेकिन दूसरों के घर पे हो, जिससे अनुपात सही हो। जब तक हम ये खुद नहीं सोचेंगे कि हमारी बेटी भी तो कल को समाज का अनुपात सही करेगी, तो इसी सोच के कारण हमने तो बहुत खुशियां हैं इस बात की। और सुरेंद्र पुनिया जैसे सर जैसे लोग हैं, इन लोगों के बीच में रह करके हमें भी एक अच्छी सोच मिली है, और भी शहर के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बेटियों पे सेलिब्रेशन किया, तो हमें हमारे लिए एक समय पे वो प्रेरणा स्रोत थे सर। तो आज हो सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए हम भी एक प्रेरणा स्रोत बने, और हमें बड़ी खुशी है इसकी। तो ये जानना चाहूंगी कि बेटी के होने की इतनी खुशी केवल आप में ही है या पूरा आपका परिवार भी इस खुशी में उतना ही? आप पूछ के देख लीजिए मैम। जी बताइए। मैं तो पोते होने पे बहुत खुश हुई जी। अच्छा। पोते से भी ज्यादा, क्योंकि हर चीज में बेटी को ही माना जाता है। घर में कोई भी चीज खरीदे या बोले भाई तोता बंधाई और नीम रखवाणी कोई भी चीज हो चाहे, बेटी को ही चाहा जाता है। घर की लक्ष्मी होती है बेटी, बहुएं चाहते हैं, माँ चाहते, बेटी क्यों नहीं चाहते। जी जी धन्यवाद। ये जो लड़की हुई है उनकी दादी थी, और कितने अच्छी बातें इन्होंने रखी हैं। इसके साथ ही सुरेंद्र पुनिया जी भी हमारे साथ हैं। सर कैसा लगता है जब आप ही के साथ काम करने वाले लोगों की सोच इतनी अच्छी होती है? पहली बात तो मैं सिटी बिग न्यूज को मैं बधाई देना चाहूंगा, जो भी अच्छे काम होते हैं वहाँ पे आप लोग हमेशा मुझे आगे मिलते हो, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मैं सुरेंद्र पुनिया आप सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा, ये देश के लिए पहल है। कपिल जैसे जो युवा जनरेशन है वो इस चीज का आगे बढ़ा रहे हैं, गर्ल्स को जो मान सम्मान आज मिल रहा है हमारे देश में भी, लड़कियों का अब अनुपात काफी हद तक अच्छा होता जा रहा है, ये कपिल जैसे युवाओं का ही योगदान है इसमें। मैं इनको पूरे परिवार को बधाई देना चाहूंगा। और लक्ष्मी आगमन का तो देखो जी अपने आप में ही एक ईश्वर का रूप होता है, जिस रूप में इन्होंने इनको नवाजा है, तो ये इसके लिए बिल्कुल हकदार है, और ये इनको बहुत बहुत बधाई हो सभी को। और मैं अपने देशवासियों को भी ये कहना चाहूँगा कि बेटी बेटों से कम नहीं है, उनको आप आगे बढ़ाएं, और ये अपने देश का नाम रोशन कर भी रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। धन्यवाद। सर देखिए ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक सवाल इसके साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे आजकल बेटियों के लिए माहौल हमारे आसपास बन गया है, लोग डरते हैं जब उनके घर पर बेटियां पैदा हो जाती हैं कि कहीं भविष्य में उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, और इतना बुरा ना हो जाए कि उसे सोच पाना भी मुश्किल हो, तो ऐसे समय में बेटी पैदा होना तो किस तरीके से उसे आप देखते हैं? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा मैम। वो इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि बेटा घर पे हो, और जब मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं बेटे के अगेंस्ट हूँ, लेकिन कहते हैं हर चीज का संतुलन होता है। अगर घर पे सिर्फ लड़के हैं
उन लड़कों में जब वो बड़े होंगे तो घर पे सिर्फ लड़के उसके फ्रेंड आएंगे, पापा के साथ उसके फ्रेंड आएंगे, माँ बेचारी अकेली बीच में लड़कों के बीच में घिरी हुई रहती है। लेकिन जब घर पे लड़की होती है तो एक व्यक्ति घर पे किस आदमी को लेकर के जाना है ये सोचता है, और जब हर एक घर में लड़का और लड़की दोनों होंगे तो जब वो एक भाई भी बनेगा तो हमेशा वो हमेशा कहते हैं ना, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो वो खुद अपनी बहन के साथ होने ना देना चाहता हो। और किसी ने सही कहा, कहते लड़के तो भाग्य से होते हैं लेकिन लड़कियां बेटियां सौभाग्य से होती हैं, और इसके लिए हमारा सौभाग्य है। और इससे सोच बदलेगी, इसमें डर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बल्कि होना चाहिए सब, हर घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए जिससे संस्कारों से जुड़ा रहता है एक व्यक्ति। इसके साथ ही ये सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि बेटियों को बच करके रहना चाहिए, देर रात घर से निकलना नहीं चाहिए, अपनी सेफ्टी जिस कार में आप जा रहे हैं उसका नंबर शेयर करते रहिए, तो उन लोगों के क्या आप ये मैसेज देना चाहेंगी कि लड़कियों को सावधानी बरतने से अच्छा है अपनी लड़कों की शिक्षा को बढ़ावा दें? बिल्कुल मैम, ये तो देखिए बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है, छोटी सोच और पांव में मोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। जब तक हमारी मानसिकता सही नहीं होगी तब तक हम सोच ही नहीं सकते हैं कुछ भी। सबसे बड़ा खेल तो मानसिकता का है, अगर जब तक बच्चों में संस्कार, लड़कों में संस्कार नहीं डेवलप होंगे तो लड़की चाहे कितने भी कपड़े पहन के रहे तो भी सेफ नहीं है, और मानसिकता अगर सही है तो फिर कैसा भी कुछ। सुमन कैसा फील कर रहे हैं एक बच्ची को पाकर के? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील मानी जी। क्या लगता है लक्ष्मी आई है घर पर तो कितनी खुशियाँ आपके जीवन में बटोरने वाली है? बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी इसके आने के बाद बहुत सारी खुशियाँ आई हैं जी, आगे भी आएंगी। अच्छा मुझे एक सवाल मेरा पर्सनली आपसे है कि बच्ची होने से पहले आपकी क्या विश थी कि लड़का हो या लड़की हो? लड़का हो या लड़की हो, नॉर्मल होना चाहिए था पहले तो ये था। अच्छा लड़की हुई है, बहुत अच्छा फील, भगवान ने बहुत अच्छा तोहफा दिया है, एक यूनिक तोहफा दिया है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुश हूँ इसको। बिल्कुल देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि लड़का हो या लड़की हो मैटर नहीं करता, लेकिन स्वस्थ होना चाहिए। तो देखिए कि किस तरीके से बेटी के पैदा होने पर कितना खुशनुमा माहौल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, किस तरीके से सेलिब्रेशंस परिवार के अंदर किए जा रहे हैं, और किए भी क्यों ना जाएं भाई, बेटा भाग्य से होता है लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और मैं तो आगे भी यही कामना करती हूँ कि कपिल जैसे लोग आगे भी समाज को आगे यूं ही बढ़ाते रहे, अच्छी चीजें हमारे समाज के अंदर यूं ही वो लाते रहे, और आगे भी इसी तरीके की अच्छी खबरें आपके सामने हम लेकर के आते रहेंगे। जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।